वेलकम टू दिस चैनल। आप अपन बना रहे हैं आटे के दीपक, जो भी आप बीट फ्लोर से बना सकते हैं, मैदा बना सकते हैं। इस डो को बनाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया। अब स्पून की हेल्प से हमने ये छोटी सी लोई को स्पून से ये फ्रेस कर लिया था। अब इस स्मॉल कैंची से कट कर लेंगे थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। इस पर डिस्टेंस के बाद अब जो कट किए उनको प्रेस करेंगे साइडों में से, जिसमें एक लिप्स के शेप में बन जाएंगी ये सभी। आप इसी से मतलब और ये कलर भी ऑप्शन है आप चाहे जो। और हमने इसमें डो के लिए इसका जो डो होगा बनाने के लिए बिल्कुल मतलब ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब मीडियम रहना चाहिए, जिससे कारण इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हार्ड होने से क्या होता है उसमें दरार है, मतलब वो ज़्यादा गीले होने से वो गीले हो जाता है, बन नहीं पाता क्लियर अच्छे से। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना आटा गीला हो ना फिर ये ज़्यादा कड़क हो। एक फर्स्ट दीपक। अब इस सेकंड दीपक को बनाने के लिए हमने इसमें एक ये गोल ले बनाया था पहले, फिर ये इसके अंदर सेकंड ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑप्शनल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, पर इसमें डबल कलर करना है आपको, और बेटर कलर आएगा आपको देखने बनाते समय। आप देखने लास्ट तक देखना आप कैसा बनाया बताना। फिर इसमें फिर इसका हम अच्छे से उस राउंड को इस कवर कर लिया है उस ग्रीन कलर को, जिसने ये ग्रीन कलर पुलर ये रेड कलर के ऊपर से कवर कवर हो जाए। आप देख सकते हैं ऐसे हमने अच्छे से कवर करने के बाद अब इसमें हम यूज़ के लिए बनाने के लिए हम इसमें बड़ी सीजर का यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ से इसके जो साइड में से कट करते जाना है पूरा लिप्स कट होनी चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से, और इसके जो कटे हुए पार्ट्स है उसको फेंक वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है आप यूज़ करना है उनका भी, देखते जाना है आप। यह है चार राउंड में ये हमने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो अब इसी तरह से। और इसी भी की तरह इसमें प्रेस करेंगे बीच में से, आप देख सकते हो इसी तरह से प्रेस करना है इसमें। और जब ये प्रेस हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा राउंड में हल्के हाथ से आप दे सकते हैं, और दीप इसमें दीपक है ना जो आप जितना चाहते हो देर तक जला सकते हो उसमें। आपको जब बस उसमें दीपक में उसमें जितना गहराई फील करोगे उतने टाइम तक दीपक आपका जलता रहेगा ये। और ये बनाना भी बहुत ईजी में बहुत भी अच्छा लग सकता है। आज जो अपनी लिप्स कट हुई थी आप इसमें देख सकते हो उसे, इनको हम प्रेस करना है। ये है छोटी छोटी लिप्स ट्रैप में एक अच्छा बेटर लुक देंगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हमें ऊपर इन लिप्सों को हम ज्वाइन करेंगे, ये देख सकते हैं उसने अटैच कर दिया इस तरह से, इसी तरह से एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स का शेप में इसका यूज़ हो जाएगा इस तरह से। ये कितना बेटर लग रहा है, और ये भी ऑप्शनल है। आप इसमें रेड में पिंक भी यूज़ कर सॉरी रेड में येलो भी अच्छा लगता है, वाइट भी अच्छा लगता है, और ब्लू भी अच्छा लगता है, पर हमारे पास ग्रीन था हमने ग्रीन करा है, लेकिन आप चाहो तो येलो बहुत अच्छा लगता है रेड में येलो। ठीक है, देख सकते हो आप ये। और ये कैसा लगा प्लीज़ बताना, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना, कमेंट में बताना कि दीपक कैसा लगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, हम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिक्कत हो रही हो तो। अब ये इस दीपक का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो हम इसमें डाल देंगे, ये हमारा दीपक है जो हमने बनाया था। अब इसी तरह से अब हमने ये येलो कलर के लिया है, इस येलो कलर में हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया, हमने ये घर में मिलने वाली अपनी किचन में मिलती टर्मरिक हल्दी उसी को मिक्स किया बस, और कुछ नहीं, और कुछ मिक्स नहीं किया हमने इसमें आटे में, आटे में बस हल्दी और पानी से गूंथा है इसे। अब जैसे कि ये थोड़ा हार्ड है, इसे थोड़ा हमने हार्ड लिया था, हार्ड में क्या देखते हैं अभी इसकी साइडों में से इसमें इसने अब इसे 4 राउंड में कट कर लिया, 8 पीस लिए हमने इसके, 6 है। आप देख सकते हो इसमें 6 के बाद ये कंघी कॉर्न की तरफ से ये इसको प्रेस करना है, जिसमें लाइनें बन जाएंगी सभी में, सभी पीस में। आप देख सकते हो ये स्मॉल साइड की साइड से आप इस तरह से इनको प्रेस करते जाना है। और जो ये ज़रूरी नहीं है आपकी अच्छा नहीं आए उससे कोई नहीं होगा, लेकिन आप देखते जाना है इसमें अच्छे से यूज़ होगा। अब उसे फोल्ड करना है, जहाँ पर ने प्रेस करा तो उसको अंदर साइड करना है, और जो कॉम की तरफ था उसे बाहर की तरफ प्रेस करता है। अब इसके बीच में आप चाहो तो जो ऑप्शनल कलर भी, जैसे कि हम इसमें कौन सा ग्रीन कलर फिल करेंगे छोटी छोटी स्लोई बना के ऐसे, और इनको प्रेस करते हैं। आप चाहो तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो, पिंक भी अच्छा लगता है वैसे तो येलो में, ऐसे कि ये देखो आप देख सकते हो इस तरह से इन्हीं सभी को हमने प्रेस कर लिया है। हमने इसमें बहुत से दीपक बनाए हमारे चैनल पर, आप चाहो तो एक से एक बेटर दीपक है। इस जो शूज डिज़ाइन होती है वो भी बनाई हमने, और फ्लावर डिज़ाइन में भी है, रोज़ डिज़ाइन में भी है, न्यू वैरायटी के आपने कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे दीपक हमने बना है। आप चाहो तो देखना देख सकते हो, आप चैनल पे सभी मिल जाएंगे आपको।
और अभी जो देख अब इन सभी को बनाने के बाद इन सभी को प्रेस करेंगे, अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे सबको एक साथ। जब ये हो जाने ना, अब इस बिल्कुल फिर फिंगर से बीच में सभी को राउंड करके ये चिपका देना है, ये ऐसे ऐसे ये आप देख सकते हो इसमें। फिर अब इसमें जो है इस अटैच हो जाने ज्वाइन के बाद ही पता है ये हिल निकलती नहीं है अच्छे से प्रेस कर देंगे तो। और इसी तरह से ये है, इसको प्रेस कर स्पून की हेल्प से ही लिया है, स्पून की हेल्प से ये इसमें भी प्रेस करते जाना है। आप इसमें दीपक लगा सकते हो और नहीं तो ये स्पून हमारे जैसा बना भी सकते हो, वैसे बढ़िया लगेगा। और चाहो तो आप ये रेड की जगह येलो कलर में भी ले सकते हो, इसी तरह से कट कर लेना है। फिर आपको ये ज्वाइन में ये कट होना है स्पून के बीच बीच में, जहाँ आपने ये थ्री थ्री उस पर छोड़ के हमने कट किया था। अब ये बीच में साइडों में से इसका है ना मोटी लोई लेना है, इसके लिए बनाने के लिए आपको थोड़ी मोटा सा लेंगे, जब से अच्छे इसकी आपकी जो लिप्स होगी वो बड़ी हम उभर के आएंगी, निगल के आती हैं। और जो पत्र में क्या होते हैं वो बहुत लो ऐसी लगती है, अच्छी सी नहीं आ पाती और उसमें जो डो है वो गिर भी जाती, टूट भी जाती है, इसलिए थोड़ा सा मोटी लोई लेना है इसके लिए बनाने के लिए। तो ये आपने बीच में ये थोड़ा सा ये दीपक का जैसे शेप में देना है। अब इसमें बनाने अभी इसको इसकी जो ऊपर ने दीपक बनाया उसके ऊपर फिल कर देंगे, रख देंगे, देख सकते हो आप। उसमें छोटा सा और अच्छा बेटर लुक देने के लिए ग्रीन कलर का स्मॉल सिंपल सा दीपक दिया है, और ये आप देख सकते हो। ये कैसा लगा आप जरूर बताना कमेंट करके, लाइक लाइक जरूर करना पसंद आ